जहां हरियाणा में बेरोजगारी दर को कम करने और युवाओं को रोजगार दिलाने के मकसद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस दौरान 100 से भी ज्यादा कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे और इसके साथ ही हर जिले से उद्योग एसोसिएशन के लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की ओर से किया गया था और आपको बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल पर 8 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और अब इन युवाओं को सरकार कॉरपोरेट ऑफिस के साथ साथ उद्योगों में भी रोजगार दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। कुछ जो बातें हैं उनको बता दी गई हैं, केवल 1% का कमीशन उनको देना होगा, बल्कि प्राइवेट जो उनको मैन सप्लाई पावर सप्लाई करते हैं उसका खर्चा उनका ज़्यादा बैठता है। इस पोर्टल पर आने के बाद जो कुछ विशेष प्रकार के उद्योग हैं उनको तो 5 से 6% का बचत भी होने वाली है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अपने जो खर्चे होते हैं उसके भी उनके काफ़ी बचेंगे। तो एक अच्छा पॉजिटिव आज ये कार्यक्रम की स्वीकार्यता बनी है और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के बेरोजगार युवक को रोजगार समय पर मिल जाए ये उसके लिए एक अच्छा सार्थक परिणाम। हम नौकरी प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम नौकरी के लिए जो युवक हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे उस मैन पावर को प्राइवेट उद्योग की आवश्यकता के हिसाब से उनको डिप्लॉय कराएंगे, उनको हम देंगे, उसमें एम्प्लॉयमेंट उन्होंने देना है। हमारा काम केवल उसको डिप्लॉयमेंट करने का है, एक उसको उनको आवश्यकता के अनुरूप जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है या जो उनकी स्किलिंग की आवश्यकता है, सर्टिफिकेशन है, हाँ उसमें वेरिफिकेशन भी सारा और हरियाणा सरकार के माध्यम से उन युवकों का होगा, क्योंकि प्राइवेट उद्योग को एक बड़ी कठिनाई आती है ऐसे युवकों की वेरीफाई करनी पड़ती है, उनके डॉक्यूमेंट्स की बाकी सब। तो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड जो भी युवक होगा वो हरियाणा का युवक होगा, उसका परिवार पहचान पत्र बना हुआ होगा, उसकी बाकी सारी चीज़ें भी जांची हुई होंगी, इसलिए उद्योग को उस प्रकार की कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए वैसे तो हमारी जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है वो ही सरकारी भर्तियाँ तो उसके माध्यम से ही पूरी होती हैं। रेगुलर भर्तियाँ लगातार हमारा HPSC हमारा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन कर रहा है और जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले 8.5 साल में हमने जो भर्तियाँ हैं 1 लाख से ऊपर भर्तियाँ वो सब की हैं और अभी इस वर्ष में भी लगभग 60,000 से ऊपर भर्तियाँ यानी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन और HPSC के माध्यम से होने वाली हैं। वो सब तो उसके नाते से सरकारी एम्प्लॉय जो परमानेंट होता है वो है, यहाँ तो टेम्प्रेरी तौर पर जिसको थोड़े समय के लिए आउटसोर्स में रखना होता है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ही पक्की नौकरी आती है फिर वो उनका स्थान लेते हैं।